हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, बिहार एसएससी का जो है कैलेंडर जारी कर दिया गया है और इसमें एग्ज़ाम डेट भी शेड्यूल कर दिया गया है। तो ये जो है वेबसाइट पे, अभी बिहार एसएससी का वेबसाइट पे कुछ नोटिस आया है और उसके रिगार्डिंग मतलब यहाँ पे कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो देखते हैं कैलेंडर में क्या क्या है। तो कैलेंडर में मुख्यतः बताया गया कि जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम डेट है वो शेड्यूल हो चुका है और इसका जो है अंत तक प्री मेंस, उसके बाद फिर मेंस का रिजल्ट, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग तक ये कैलेंडर दे दिया गया है। तो देख सकते हैं ये जो बिहार एसएससी सीजीएल का है, तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा, इसका जो है प्री का एग्जाम 26 27 नवंबर को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। 26 27 नवंबर को होने वाला है, यानी और अभी जो है आज 9 सितंबर है, यानी 2 महीने बाद, सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी 2 महीने हैं मुख्यतः अभी और इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो ये संभावित तिथि है, और संभावित तिथि ऐसा नहीं है कि ये आगे बढ़ेगा, ये यही तिथि अब मान के इसको हमें तैयारी करना है। तो यहाँ जो भी पोस्टें थी उन सभी पोस्टों का एग्ज़ाम होने वाला है। 1/2022 जो एडवर्टीजमेंट नंबर था उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसका ये जो है इसका प्रारंभिक परीक्षा का जो परीक्षा फल होगा, यानी रिजल्ट का भी तिथि जारी कर दिया गया है, वो 20 जनवरी, देख सकते हैं 20 जनवरी से 30 जनवरी के बीच इसका अगले ईयर में इसका रिजल्ट जारी होगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए फिर से आवेदन लिया जाएगा, जो कि फरवरी 2023 में ये आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद फिर मुख्य परीक्षा का संभावित तिथि भी जारी कर दिया गया है, जो मुख्य परीक्षा होने वाला है वो मार्च में हो जाएगा और मुख्य परीक्षा का फिर रिजल्ट हो जाएगा अप्रैल में, यानी बहुत जल्दी जल्दी ये काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले जो है 8 साल 7 साल बीआरएससी इंटर लेवल में लग रहा था, ये इस बार जो है जल्दी काम कर रहे हैं। तो बिहार एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा, मतलब ये अच्छी बात है। और इसके देखिए अनुशंसा का प्रश्न, यानी जो भी ज्वाइनिंग से रिलेटेड वो जो होगा मई जून में इसका कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अब देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो ये था नोटिस, नोटिस में यही सब दिया गया था। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है उसमें 3 सेक्शन है। सामान्य अध्ययन, जो सामान्य अध्ययन में जनरली जो एसएससी का मतलब पैटर्न रहता है वही रहेगा, और फिर सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच। तो ये इसके भी 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, इसके भी 50 क्वेश्चन और इसके भी 50 क्वेश्चन, यानी तीनों के 50 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएगा, टोटल जो है 150 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स है, यानी 150 गुना 4 600 मार्क्स हो जाएगा। तो 600 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। तो सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के बोले जा रहे हैं कि 30 क्वेश्चन होगा, और गणित का मात्र 20 क्वेश्चन होने वाला है। यह हो सकता है गणित का 30 क्वेश्चन पूछ दे और सामान्य विज्ञान का 20 क्वेश्चन, तो इसी तरह कुछ रहेगा 20 से 25 हो सकता है सामान्य विज्ञान 30 भी पूछ दे। उसके बाद मानसिक क्षमता जो है, मानसिक क्षमता ये 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे स्कोरिंग सब्जेक्ट यही दो है, सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित और मानसिक क्षमता। ये जो 50 50 है, यानी 100 मार्क्स का, इसमें मतलब 100 मार्क्स में बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब 100 में 80 90 तक कर रहे हैं, 80 80+ ही कर रहे हैं। तो ये सेक्शन जो है थोड़ा स्कोरिंग है, इस पे इस ध्यान देना है अच्छे से। सामान्य अध्ययन तो सभी पढ़े होंगे, बीपीएससी के लिए, दरोगा के लिए, ये सब तो पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, अब इन डिटेल्स इसका जो है सिलेबस जो है इसका डिटेल्स में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। डिटेल्स में जो है सेम वही है जो मतलब एसएससी का रहता है, लेकिन इसमें जो है एक्स्ट्रा बिहार के बारे में भी पूछा जा सकता है। क्लियर मेंशन है इसमें, बिहार भारत के, भारत और इसके पड़ोसी देश के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि बिहार के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर है समान समसामयिक विषय, यानी करंट अफेयर, करंट अफेयर में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, उसके भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सब करंट अफेयर के अंदर पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर भारत और उसके पड़ोसी देश है, भारत का मतलब कैसे कैसे यहाँ पे, भारत का इतिहास क्या है, भूगोल क्या है,
और यहाँ पे राजनीतिक प्रणाली, इससे क्वेश्चन रहेंगे, पंचवर्षीय योजना है, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, ये सब जो है सामान्य विज्ञान में पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर सामान्य विज्ञान एवं गणित, विज्ञान में भौतिकी के लगभग बोले जा रहे हैं 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फिर रसायन शास्त्र के भी 8-9 क्वेश्चन रहेंगे, और जीव विज्ञान के 10 क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 18 क्वेश्चन तो यहीं से हो रहे हैं, और कुछ भूगोल के भी क्वेश्चन रहेंगे, तो 6 मान सकते हैं, 8 मान सकते हैं, तो 8 इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर गणित का सिलेबस यहाँ दिया गया है, फिर और रीजनिंग का ये सिलेबस है, गणित तो पता ही 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा, और रीजनिंग का भी, रीजनिंग का तो 50 क्वेश्चन रहने वाला है, ये है रीजनिंग का सिलेबस। तो ये था टोटल वीडियो, तो इसका एग्जाम डेट फाइनली शेड्यूल है 26 नवंबर से, 26 नवंबर और 27 नवंबर को होने वाला है, तो जो भी है वो अपना तैयारी को अब अच्छे से कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है इस एग्ज़ाम के लिए। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।